Hey guys, welcome to my channel, it's English time. So in today's video, I'm going to teach you about the topic that is one word substitution. जिसे हम usually हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं कि पूरा एक sentence लिखने के बजाय हम एक ऐसा word लिखते हैं जो उस पूरे sentence का मतलब एक short form में बता दे. So before starting the video, the people who are new to my channel, I would like to tell you or I would like to request you to please subscribe my channel to never miss a video whenever I upload. By subscribing, you will get the notification with the help of that bell button that hey, it's English time has a video for you. So let's get back to the video. First word is introvert. A quiet, shy person who prefers to be alone than with other people. Introvert ek aisa type of पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कि काफ़ी शाय फील करता है अपने आप में, बहुत शाय हो या बहुत चुप चुप रहने वाला इंसान जो कि बाकी लोगों से नहीं इंटरेक्ट करता, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट, जो अपने में रहता है. सेकंड है एक्सट्रोवर्ट. अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रेफर्स बींग विद अदर पीपल. एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो पर्सन कॉन्फिडेंट हो, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करता है और जो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट. The next is psychiatrist, one who treats mental or emotional disturbances. Means जो mind में जो disturbances होती हैं, कोई mental disturbance है किसी को या कोई emotional disturbance है, उनसे जो treat करता है doctor, उन्हें psychiatrist कहते हैं. Next is dermatologist, one who treats skin diseases. जो doctor skin के बारे में बताए, skin की diseases के बारे में जो doctor बताता है हमें, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है. द नेक्स्ट इज ग्राफोलॉजी, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग. हाथ से जो हम लिखते हैं उसे हम हैंड राइटिंग कहते हैं. उनके जो एनालिसिस करता है उसे, उस स्टडी को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं. द नेक्स्ट इज कैलीग्राफी, ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. बहुत सुंदर जो हैंड राइटिंग होती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं. द सेवेंथ इज फिलोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज लैंग्वेजेस. जो अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस के बारे में पढ़े उसे फिलोलॉजिस्ट कहते हैं. द एट्थ इज साइकोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज सोशल कंडीशंस. मतलब जो इंसान सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़े उन्हें सोशोलॉजिस्ट कहते हैं. सपोज हमें कुछ कहना है कि ये इंसान सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़ता है, तो हम उसे उस पूरे सेंटेंस के बदले में हम कह सकते हैं कि ये इंसान सोशोलॉजिस्ट है. तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो इंसान सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़ता है. नेक्स्ट इज जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीज द अर्थ. अर्थ के बारे में जो पढ़े उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज बायोग्राफी, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ रिटन. किसी के बारे में लिखी हुई स्टोरी, लाइफ की स्टोरी, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं. एंड ऑटोबायोग्राफी होती है जो स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, जो अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. किसी और की लाइफ की बारे में स्टोरी बनाना, स्टोरी लिखना, उसे बायोग्राफी कहते हैं. द नेक्स्ट इज हर्बीवोर्स, एन एनिमल दैट ईट्स ओनली ग्रास और अदर प्लांट्स. जो सिर्फ प्लांट्स, ग्रास वगैरह खाए, उन एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं. द नेक्स्ट इज इलिटरेट, वन हु कैन नॉट रीड और राइट. इलिटरेट कौन होता है? जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता. द फोर्टींथ इज इम्परवियस. इम्परवियस अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड और अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स और सजेशंस. मतलब इम्परवियस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अफेक्ट नहीं होता किसी और के ओपिनियंस, किसी के आर्ग्यूमेंट्स या किसी के सजेशन से. तब उस इंसान को किसी ने कुछ कह दिया अच्छा बुरा, तो उसे उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं करता, उस पर्सन को इम्परवियस कहते हैं हम. द फिफ्टींथ इज इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन. जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम इनविजिबल कहते हैं. सो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हम हवा को नहीं देख सकते, तो हम कह सकते हैं दैट विंड इज इनविजिबल. पूरा सेंटेंस दैट कैन नॉट बी विजिबल, इस सेंटेंस के बजाय हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इनविजिबल. द नेक्स्ट इज इनऑडिबल, जो कि सुनाई नहीं देता. इनक्रेडिबल, जो बिलीव ना किया जाए. इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना, मतलब किसी चीज़ की विक्ट्री.
सो इनविंसिबल होता है जिसे हम जीत नहीं सकते, जिस पे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनविंसिबल. द नेक्स्ट इज इनफ्लेमेबल, समथिंग दैट क्विकली कैचिज फायर, जो चीजें जल्दी फायर कैच कर ले, जिनसे फायर जल्दी पकड़ती है, उन्हें कहते हैं, उन चीजों को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल. नेक्स्ट इज इरिटेबल, मैन हु इज इजली इरिटेटेड, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाए इंसान, उस इंसान को हम इरिटेबल कहते हैं. जैसे कह सकते हैं कि श्याम एक इरिटेबल पर्सन है, तो बजाय ये कहने के कि श्याम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हम कह सकते हैं श्याम एक इरिटेबल पर्सन है. तो नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स, अ मैन और एनिमल, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऐसा जानवर जो सब कुछ खाए, वो प्लांट्स भी खाए, वो फ्लैश भी खाए, फ्लैश मीन्स मीट वगैरह, वो दोनों चीज़ें जो खाए उसे कहते हैं ओमनिवोर्स. नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट, वेरी नेगेटिव पर्सन, somebody who always expects the worst to happen. It means pessimist एक ऐसा person होता है जो हमेशा negative सोचे, हमेशा गलत ही सोचे कि हमेशा बुरा ही होगा, उस इंसान को हम pessimist कहते हैं. Theist, a person who believes in the existence of God, जो God के होने में believe करे उसे theist कहते हैं. And atheist is a person who does not believe in the existence of God, जो person God में believe ना करे उसे atheist कहते हैं. Theist मतलब आस्तिक, एंड अथीस्ट मतलब नास्तिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोस्टर, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट. इम्पोस्टर एक ऐसा टाइप ऑफ पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रिटेंड करे कुछ और होने की, जो कि वो एक्चुअल में है ही नहीं. नेक्स्ट इज एवियरी, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जिस प्लेस में बर्ड्स को रखा जाता है उसे एवियरी कहते हैं. नेक्स्ट इज ओपेक, थिंग थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसी चीजें जिनके आर पार लाइट ना जा सके उन्हें ओपेक कहते हैं. द नेक्स्ट इज टैंजिबल, थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, जिन चीज़ों को आप देख सकें और आप छू सकें उन्हें टैंजिबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक, वॉल, ग्लास. नेक्स्ट इज इनटैंजिबल, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिन्हें आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल किसी की फीलिंग्स हैं, वो इनटेंजिबल, आप ना उन्हें देख सकते हो ना उन्हें टच कर सकते हो. इनकम्पैटिबल, पर्सन हु कैन नॉट वर्क और लिव टुगेदर इन हार्मनी. इनकम्पैटिबल एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी के साथ ना काम कर सकता है ना ही किसी के साथ रह सकता है. नेक्स्ट इज स्टेल, समथिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, मतलब जो चीज़ फ्रेश नहीं है, कोई चीज़ बासी पड़ी है, तो उसे हम कहते हैं स्टेल. नेक्स्ट इज एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में रहे. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, अ फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर. नेक्स्ट इज करेजियस, पर्सन हु शोज लॉट ऑफ करेज, जो इंसान काफ़ी बहादुर, काफ़ी करेज दिखाए उसे हम करेजियस कहते हैं. नेक्स्ट इज मीडियोकर, वन हु इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, ना ही कोई इंटेलिजेंट है ना ही वो बहुत ही बुद्धू है, ना ही वो डल है ना ही इंटेलिजेंट है, उस इंसान को हम मीडियोकर कहते हैं, मतलब वो बीच का हो गया. नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स विद द वेलफेयर ऑफ विमेन. फेमिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि विमेन के वेलफेयर के लिए वर्क करे. WOMEN, वुमेन नहीं होता, विमेन होता है. वाटर प्रूफ, थ्रू विच वाटर कैन नॉट पास. वाटर प्रूफ मीन्स जिसके आर पार पानी ना जा सके. नेक्स्ट इज यूनिक, दैट हैज नो इक्वल, जिसके जैसा कुछ ना हो उसे यूनिक कहते हैं, कि वो सिंगल ही पीस है, उसके जैसा कुछ और है ही नहीं. नेक्स्ट इज पिक पॉकेट, वन हु स्टील्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ अदर्स, जो किसी और के पॉकेट में से चीज़ें चुराए उसे पिक पॉकेट कहते हैं. पेडेस्ट्रियन, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों से चले उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं. नेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, पेपर्स रिटन बाय हैंड, जो पेपर्स हाथ से लिखे जाएं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. इनफॉलिबल, पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, उन्हें इनफॉलिबल कहते हैं.
Next is indescribable, that which cannot be described. जिसे हम describe ना कर सकें उसे कहते हैं indescribable. Indescribable. Next is incurable, which cannot be cured. जिसे हम सही ना कर सकें उसे कहते हैं incurable. Fantastic, one who enjoys everything carelessly. जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छे से carelessly enjoy करता है अपनी life. उसे कहते हैं fantastic. So the next is credulous, one who believes easily whatever is told. मतलब किसी को कोई कुछ कहा जाए तो वो easily जो मान जाए उस इंसान को credulous कहते हैं. Next is colleagues, इसे colleagues नहीं कहते, colleagues कहते हैं. Persons working together in the same institution, कोई आपके साथ में काम करने वाला person हो उसे colleague कहते हैं. Next is aquatic, living in water, जो चीज़ें पानी में रहती हैं उन्हें aquatic कहते हैं. For example, fish, shark, octopus. The next is bankrupt, one who cannot pay off his debts, जो अपने उधार ना चुका सके उसे bankrupt कहते हैं. Next is kindergarten, स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है जिसे प्ले स्कूल भी कहते हैं हम, उसे कहते हैं किंडरगार्टन, गार्टन. सो आप ये पूरे पूरे सेंटेंसेस यूज करने के बजाय ये रेड वर्ड्स वाले एक एक शब्द यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर लैंग्वेज मोर क्लियर एंड मोर इफेक्टिव. सो आपको ये पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप इनके बदले में ये रेड वर्ड्स वाले वर्ड्स बोल सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं कहीं भी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो हाउ यू लाइक माई वीडियो और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल हेल्प यू आउट इफ आई कैन. सो गो अहेड एंड हिट सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल बटन नियर इट टू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड द न्यू वीडियो टू नेवर मिस इट. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे.